जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी पे। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी का संपूर्ण मेडिकल पे है कि एसएससी जीडी का जो मेडिकल होता है किस प्रकार से होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता कि एसएससी जीडी का जो वास्तविक मेडिकल होता है वो किस प्रकार से होता है। कईयों के ना प्रॉब्लम होते हुए भी एक नाम मात्र की छोटी मोटी प्रॉब्लम जिसमें आर्मी में कई बार पॉइंट मिल जाता है उसकी वजह से वो बाद में एसएससी जीडी की तैयारी भी नहीं करते, आरपीएफ कॉन्स्टेबल की भी तैयारी नहीं करते, दिल्ली पुलिस या स्टेट पुलिस की तैयारी नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता दूं जो वास्तविक मापदंड है एसएससी जीडी के मेडिकल और आर्मी के मेडिकल में, उसमें 30 और 70 का परसेंटेज का अंतर है। अगर आर्मी मेडिकल में 30% लोगों को पास करेंगे तो एसएससी जीडी के मेडिकल में 70% को पास करेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनमें 100% फेल करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? ब्लड जब चेक होता है, एक यूरिन टेस्ट, इनमें जो बीमारियाँ पाई जाती है उनकी वजह से फेल हो जाता है। ज़्यादातर जो लड़कियों को पॉइंट मिलता है वो मिलता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। लड़कों में ज़्यादातर यूरिन में पॉइंट मिलते हैं। आपको मैं बता दूं इसके अलावा जो भी पॉइंट है उनका समाधान भी है और उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है। लाड लो, तो अब मैं आपको एसएससी जीडी का किस प्रकार से मेडिकल होता है उसका एक नमूना पेश कर रहा हूं और कौन कौन सी कमियां जो आप अभी भी ठीक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, और अभी नहीं कर पा रहे हो तो अगर आपको कोई ऑपरेशन करवाना है या लेज़र ऑपरेशन या जो आँख का या आपके नाक का कोई पॉइंट है उसको कब करवाना, फिजिकल होने के बाद में, अगर वो ऑपरेशन 20 दिन या 30 दिन के अंदर अंदर हो जाता है तो। चलिए लाडलो मैं बताता हूँ कि ऐसे जीडी का जो नॉर्मली आपको एक डेमो देता हूँ किस प्रकार से मेडिकल होता है। अगर मैं एक एक बंदे का दे रहा हूँ वहाँ पर एक एक का नहीं होता, साथ में 10-10, 12-12 बच्चों का या 5-5, 7-7 बच्चों का होता है तो किस प्रकार से होता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो मेडिकल की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, इसके आई साइड का जो आपका मेडिकल टेस्ट है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ। एक मिनट रुक जाओ, कलर विजन वाली बुक लेके आओ जल्दी से। ओके लाड लो, सबसे पहले जो मेडिकल में चेक किया जाता है वो है कलर विजन, क्योंकि कलर विजन का जो पॉइंट है वो टूटता नहीं है। इस प्रकार की एक बुक है जिससे आपका कलर विजन चेक होता है, जिसके कलर विजन होता है उसको रेड और ग्रीन कलर में फर्क नहीं मालूम चलता है। देखिए बता कितने हैं, 12, 8, 9, 29, 57, 5, 3, 15, 71 74। अगर आपको कई बार आप अगर वर्डिंग मान लो आपको नहीं भी आती है, गिनती इंग्लिश में बोल लिया करो, जरूरी नहीं कि हिंदी में बोलो, अगर कलर विजन में फंस गए तो इसका मतलब है कि आपका वो मेडिकल पॉइंट नहीं टूटेगा, उसमें डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद में एक नियर विजन की बुक आती है जिसमें जैसे अखबार जैसे लिखा हुआ रहता है वो आपसे नियर से पढ़ाया जाता है, उसमें नियर से जो चीज़ें लिखी हुई रहती है वो पढ़ाई जाती है। कलर विजन टेस्ट आइज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो टेस्ट होता है वो आइज़ का होता है 6x6 का, यानी आपकी आंखें कितनी होनी चाहिए, 6x6। वो कैसे चेक होती है, वो 6 मीटर से आपको दूर से दिखाया जाता है, इस पर आंख से एक आंकड़ा उधर लिखा हुआ रहता है और एक डब्बा सा रहता है जिसमें आपको वहां पर चेक करते हैं 1x1 आई को। उसके बाद में पेन पॉइंट, तो इस प्रकार से फॉलो करना है, इस आंगली गर्दन नहीं घुमाई जाती है, इसके बाद में सिर्फ ओनली आँख ही घुमाई जाती है, ठीक है, पकड़ो इसको। इसके बाद में जो चेहरे के पॉइंट होते हैं कौन कौन से होते हैं एक बार देख लीजिए सभी। आँख के पॉइंट के बाद में आपके नाक को चेक किया जाता है, बहुत सारे बच्चों के ये नाक में डीएनएस होता है, आर्मी में इस पॉइंट में आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन एसएससी जीडी में ऐसा नहीं है। अगर आपके डीएनएस है यानी नाक की हड्डी अगर टेढ़ी है तो आप ऑपरेशन के माध्यम से उसको सही करा सकते हो और वो वैलिड भी मानी जाएगी। इसके नहीं है वैसे डीएनएस, बिल्कुल सही है नाक, ठीक है। इसके बाद में मुँह आकर आपके टीथ इस प्रकार से चेक किए जाते हैं कि कितने टीथ है, कोई टूटा हुआ है या नहीं है, या कहीं से कोई क्रैक नहीं, बहुत सारे बच्चों के बंद कर लो पानी की वजह से पीलापन रहता है दांतों में तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं सर कीड़ा लग गया, तो लग गया कीड़ा तो उसको निकाल लो भाई, कितने दिन लगा रहने दोगे, हैं? तो इसलिए उसको जल्दी से निकालो, इलाज करवा लो। अगर आपके दांत में थोड़े से दांत अगर एक दो एक्स्ट्रा या एक दो कम है तो भी चलेगा, एसएससी जीडी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आर्मी में वो प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपके दांत एक्स्ट्रा या साइड में कुछ ज़्यादा निकले, अगर आपके दांत बाहर भी है तो भी एसएससी जीडी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे बच्चों के दांत बाहर होते हैं हल्के फुल्के तो प्रॉब्लम नहीं होती, आजकल उनकी सेटिंग करने के लिए वो एक क्लिप लगा देते हैं उससे उनकी सेटिंग भी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में आपके कान को चेक किया जाता है किसके माध्यम से, एक लेंस के माध्यम से, कि आपके कान में कोई सफ़ेद धब्बा तो नहीं है, या कई बच्चों के जो कान बहते हैं वो तो प्रॉब्लम नहीं है, कान के पीछे आप ऑपरेशन करा के, बहुत सारे बच्चे कान का जो ऑपरेशन करा के ठीक करा लेते हैं वो वैलिड माना जाएगा। मैं आपको बता दूं अगर उस कंडीशन में आपका अगर कान सही होता है तो वैलिड माना जाएगा, लेकिन ऑपरेशन कराने के बाद में भी अगर आपके कान से पानी आता है तो प्रॉब्लम होगी। एक वाइड प्रकार का धब्बा होता है झिल्ली के पास में, अगर उस प्रकार का होगा तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसके बाद में जो आपका चेक किया जाता है अगर आपको ऊपर से ले तो हाथों को, ठीक है, हाथ की उंगलियाँ सबसे पहले कि इनमें वाइब्रेशन तो नहीं है, ठीक है।
हाथ की उंगलियों के बाद में आपके नाखून, अगर हल्का फुल्का आपके कट है इस प्रकार का, अगर आपकी उंगलियों में इस प्रकार का कट है, देखो देखो तुम्हारे आपका देखो इस प्रकार से थोड़ा सा अगर टेढ़ा मेढ़ा भी है उंगली में, अगर इस प्रकार का कट है तो ये कोई परेशानी नहीं है, बस आपकी उंगली होल्ड करो उसको ऐसे करो, अगर आपकी उंगलियाँ इस प्रकार से काम करें ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। SHGD में पॉइंट नहीं है, आर्मी में पॉइंट हो सकता है, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन SHGD में प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में आपका जो केयरिंग एंगल चेक करते हैं वो देख लीजिए, इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से चेक करते हैं, इस प्रकार से उंगलियों को वापस। उसके बाद में यहाँ कहीं आपके चेस्ट में कोई गांठ वांठ तो नहीं है, अगर है तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं उनके यहाँ पे चेस्ट में गांठ वांठ हो जाती है, तो उसका आप इलाज करा सकते हो ऑपरेशन के माध्यम से, और उसके बाद में भी SHGD के आप मेडिकल में फाइट कर सकते हो अगर वो ऑपरेशन आपका सक्सेसफुल और बिल्कुल सही होता है तो, ठीक है। अगर आपके शरीर पे कहीं पे भी छोटे मोटे कट के या उस पे टांके के निशान है तो उस कंडीशन में आपको बाहर नहीं किया जाएगा आपके स्किन की प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। अगर आपके कहीं पे भी किसी के दाग है क्या स्किन पे, वो नहीं स्टिचिंग मार, किसी के दाग भेज रहा हूँ, देखो इस प्रकार का अगर दाग है आपकी स्किन पे, ये इसके छोटा कहियों के बहुत बड़ा होता है, ठीक है। उस एक बच्चे के है ना पीछे का, इसके इधर पीछे फरान है ना, फरान के, ओके हाँ, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं है अगर इस प्रकार का दाग है। इसके बाद में आपका केयरिंग एंगल चेक होने, उंगलियां चेक हो जाती है। उसके बाद में अगर आपके प्राइवेट पार्ट्स चेक होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स में आपकी गोलियां बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, दो ही होनी चाहिए, तीन हो या एक हो, ये आपके कोई आनुवंशिक कमी है ऐसी नहीं है, लेकिन वैलिड दो ही गोली होनी चाहिए और वो बराबर होनी चाहिए। अगर ऊपर नीचे हैं तो उनको सेट करा लेना भाई, ठीक है। अगर छोटी मोटी, अब एक सबसे बड़ी जो बीमारी अभी प्रेजेंट टाइम में, वो बहुत सारे बच्चों की जो लिंक की जो स्किन होती है ऊपर नहीं जाती, ठीक है, बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाती है, उसको फिमोसिस या ऐसा कुछ बोला जाता है इंग्लिश में, उसका ऑपरेशन होता है, वैलिड भी माना जाता है, वो एक कट लगता है जो मुसलमानों में बचपन में ही लग जाता है, कई जो बच्चे होते हैं उनमें वो नहीं लगता है, या जो मान लो बाकी सब धर्म के उनमें वो नहीं लगता, तो कई बच्चों की जो प्रॉब्लम हो जाती है तो बाद में ठीक हो जाती है ऑपरेशन के माध्यम से। एक नॉर्मल सा ऑपरेशन होता है, 7-8 हज़ार रुपये का नॉर्मल खर्चा होता है, उसके बाद में आप ठीक हो जाओगे, उसकी वजह से आप ऐसा नहीं कि पेपर देने ना जाओ या आपको वो प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपके बवासीर और पाइल्स की अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, आपसे खसवाते हैं बैंड करके, एक बार बैंड होता देखें केवल इसे बता दें ऐसे इतना ही, हाँ इतना ही, अब खांस ऐसे ज़ोर से खांस के और पीछे का होल चेक करते हैं, खड़ा हो पीछे का होल चेक करते हैं, उसमें आपके बवासीर और पाइल्स को चेक करते हैं। जो बवासीर होती है उसकी स्किन बाहर निकली होती है अंदर से, और जिसके पाइल्स होता है उसके वाइट कलर का एक गोल बना हुआ रहता है। तो अगर आपके प्रॉब्लम है तो आप इसको ठीक करा लीजिए अभी से, ठीक है, कोई बड़ी ऐसी कोई कैंसर जैसी बीमारी नहीं जो इसका इलाज नहीं है, इलाज है, आप समय पे तैयार करा लेते हो इसको तो आप मेडिकली फिट हो जाओगे दोनों ही कंडीशन में। इसके बाद में अगर पैरों पे आए तो आपकी नोकनी चेक की जाती है, खड़े हो एक बार, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर लेटा के चेक करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेटा के भी कर सकते हैं और खड़े खड़े भी कर सकते हैं, ये इतना गैप आपकी नोकनी में होना चाहिए। अब जिन बच्चों के नोकनी में प्रॉब्लम है तो उनको मैं आपको बताऊँ एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे लोग आपको एक ईंट पकड़ के ला के दे देते हैं, बोलते हैं ईंट गाल के रेस एक्सरसाइज करो आगे पकड़, जो बताते हैं ना वो 100 ईंट गाल के केवल 100 सिटअप मार के मेरे को बता दें उनकी चमड़ी ना छुल जाए, तो ईंट नहीं लाड लो, इस प्रकार का एक इससे थोड़ा छोटी साइज का एक फोम का बनाइए, उसके ऊपर कपड़ा लगाइए, इससे थोड़ा सा छोटा ले लीजिए, इससे थोड़ा चौड़ा ले लीजिए, उसको बनाइए और यहाँ पे घुटने पे उसके इस प्रकार से चिपकने वाले बनाइए, दोनों घुटनों के लिए इस प्रकार से बनाइए, फिर उनको जब ऐसे करोगे तो इतना गैपिंग हो जाएगी आपकी। उसके बाद में अगर आप ऐसे बैठोगे हर रोज़ और ये एक्सरसाइज दिन में कम से कम मान लो 30-30 सेटअप ही अगर दिन में 150 टोटल आप मारते हो तो एक महीने बाद में आपको अंतर देखने को मिल जाएगा, और बाकी एक नौकरी पर मैंने पूरा का पूरा वीडियो बना रखा है। इसके बाद में आपकी पैरों की उंगलियाँ, ठीक है, कोई कटी फटी तो नहीं, इस प्रकार से उंगलियाँ चेक करते हैं। उसके बाद में कोई भी आपकी नस जो बाहर नहीं होती, जो वेरिकोनस वेन जो बोलते हैं, वेन किसी की बाहर तो नहीं है वो, उसके बाद में फ्लैट फुट दो प्रकार से चेक होता है, एक बार पैर उठाओ तो पीछे वाला ऐसे, ठीक है, इसके सही है, फ्लैट फुट की बीमारी नहीं है, दूसरा पैर इस प्रकार से, ठीक है। इसके अलावा आपको पानी के ऊपर चला के भी देख सकते हैं, वो किसको देखते हैं, जिसके शक होता है उनको कि इसके फ्लैट फुट की बीमारी है उसको चला के देखते हैं, बाकी सबको नहीं। नोकनी के लिए एक बार इस प्रकार से देख सकते हैं, बाकी ज़मीन पे लेटा के भी आपकी नोकनी टेस्ट की जा सकती है, उसमें कोई शक नहीं है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा टेस्ट होता है। इसके अलावा जो टेस्ट बच गया वो आपका आगे का एक्सरे होगा, पीछे का एक्सरे होगा। आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है तो आप तैयारी मत करना पोस्ट की। आगे आपकी जो आंतें हैं कोई भी गली हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो
आगे का जो एक्सरा होता है और पीछे का एक्सरा होता है, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड में भी आपका टेस्ट होता है, यूरिन में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो टेस्ट होते हैं, उनमें अगर कमी पाई गई तो पॉइंट टूटना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप ब्लड टेस्ट अपना नॉर्मल करा सकते हो, उसमें कोई बड़ी चीज़ें चेक नहीं करते, तो वो उसके अलावा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। एक पेन पॉइंट आपका हो गया नाक का जो, अब आर्मी में इसमें काफ़ी डिफरेंस है। अब इनमें से कुछ बच्चों के जो आपके क्वेश्चन रहते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो ठीक है, तो आप आ जाओ। देखो पहले जिसका वेट ज़्यादा होता है, फिर वेट कम होने की वजह से स्टिचिंग मार्क आ जाते हैं, लाड़ दो, इसकी वजह से आपको पॉइंट नहीं मिलेगा एस एस सी जी में। ठीक है, आप मेडिकली फिट हो चला जाओ। दूसरा और किसको डॉक्टर की तरह, कईयों का चेस्ट इस प्रकार से थोड़ा सा डिसबैलेंस है, इसका जैसे डिसबैलेंस है, थोड़ा सा यहाँ से चेस्ट उठा हुआ है, बाकी साइडों से बैठा हुआ है। मैं आपको बता दूँ एस एस सी डी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपका भी इस प्रकार का चेस्ट है। अगर कहीं से हल्का फुल्का डिसबैलेंस है या कंधे में अगर 19-20 का फर्क है, ये नहीं कि 20-10 का फर्क हो, 19-20 का, इसके चेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई इसके बीमारी है, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठा हुआ है, तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और किसका था, आ जाओ, और किसी को कोई प्रॉब्लम, अब वो तो तूंद की प्रॉब्लम है, उसका तो कोई नहीं होता, तुम्हारे को खुद को कम, इसके कैरिंग एंगल की प्रॉब्लम, हाँ आ जा, देखा तू भी आ जा, बता दे, ये पूरा का पूरा टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कर, सीधा करा तू। अब अगर किसी के ये प्रॉब्लम है ऐसे जी के मेडिकल में आपको अगर पॉइंट मिलता तो लाड लो बताऊँ, इसका भी इलाज है। ठीक है, इसको भी आजकल डॉक्टर 1.5 डिग्री तक चेंज कर देते हैं दोनों हाथों को, 1.5 डिग्री, तो 1.5 डिग्री अगर चेंज कर दिया तो पूरा का पूरा गैप बढ़ जाएगा, इसका लेजर ऑपरेशन के माध्यम से ये काम हो जाता है, सर्जरी के द्वारा ये काम करते हैं कि इसको 1.5 डिग्री घुमा देते हैं, उसके बाद में ये पॉइंट हट जाता है। अगर आपके ऐसी परेशानी है तो ध्यान रखिए, ये कुछ इस वीडियो में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई जो नॉर्मली एस एस सी जी डी के मेडिकल में जो चीज़ें होती है उसके बारे में। ठीक है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।